हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि एम्स पटना के द्वारा एक सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, जिसकी सबसे पहली अपडेट आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो साथियों, आज एक लिस्ट जारी हो चुकी है, 24 नवंबर 2022 का यह नोटिफिकेशन है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हर एक जानकारी आपको विद प्रूफ केवल और केवल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथियों, जब पहली लिस्ट जारी हुई थी उसी दिन कुछ कैंडिडेट के, या यूँ कहें कि बहुत से कैंडिडेट के हमारे पास लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर अब क्या होने वाला है। तो हमने उनको बताया था कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एम्स पटना के द्वारा सेकेंड जो लिस्ट है वो अभी तैयार की जा रही है। और साथियों, जो सेकेंड लिस्ट है उसमें एलिजिबल कैंडिडेट का नाम नहीं है। जो भी सेकेंड लिस्ट ये जारी की गई है, यहाँ पर प्रोविजनली एलिजिबल आपको माना गया है। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि एम्स पटना के द्वारा केवल दो तरीके हो सकते हैं साथ में लिस्ट जारी ना करने के, या तो ये हो सकता है कि उनको अभी इतने की आवश्यकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है। तो साथियों, यहाँ पर जो भी लिस्ट जारी की गई है, 216 कैंडिडेट हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, और उन सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी पाई गई है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से आपको दिया जाता है। चलिए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर अपडेट हर साथी तक पहुँच सके। तो चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो साथियों लिस्ट जारी की गई है वो ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा, मतलब जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लिए थे एम्स पटना के लिए, उन दोनों ही कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। तो ध्यानपूर्वक सुनना है साथियों आपको। अब देखिए साथियों, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो जारी हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं इनको साथियों लेट होने वाली है। लेट होने वाली मतलब इनको जनवरी तक अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की संभावना है, दिसंबर में इनको ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, हम आज ही आपको बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है एक नंबर पर है, इनकी 25 जो रैंक है, रोल नंबर इनका ये दिया गया है, इनसे ये मांगा गया है कि भाई ओरिजिनल नर्सिंग आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा जो एड्रेस जो प्रूफ इन्होंने दिया था उसमें एप्लीकेंट का नाम नहीं है। ये एक साधारण सी मिस्टेक है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। साथियों, पहली तो बात आप एक काम कीजिए, आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है उसमें अपना नाम मेंशन करवाइए। करवाने के बाद जो आपका ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वो आपके पास होगा, हो सकता है आपने रिन्यू करवाने के लिए दिया हुआ हो, जो भी है आपके पास है तो वो आपको सबमिट कर देना है। कैसे सबमिट करना है, आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए साथियों, शेयर बिल्कुल कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नोटशीट 2022 हो चाहे नोटशीट 2021 का सेकेंड राउंड हो, हर एक अपडेट ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। और हर एक अपडेट हमने दी है, ऐसा नहीं है कि हम बस केवल बातें ही कर रहे हैं, हमने हर एक अपडेट दे रखी है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम बिल्कुल भी कोई फेक कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए साथियों, कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन है वो साफ नहीं थे, 10th की मार्कशीट है वो उन्होंने यहाँ पर सबमिट नहीं की है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके एड्रेस प्रूफ में नाम नहीं है, कुछ कैंडिडेट हैं जिनके, जैसे मान लीजिए आपके 10th की मार्कशीट में फादर या मदर के नेम में स्पेस है, लेकिन आपने जो फॉर्म भरा था तो स्पेस देना भूल गए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए क्या समाधान है साथियों, सभी के लिए अलग अलग समाधान है, क्योंकि सभी के लिए एक तो है नहीं, इसलिए इस वीडियो में बताना मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, तत्काल प्रभाव से आपको वहाँ पर जो समस्या का समाधान है वो दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर जो OBC एनसील सर्टिफिकेट है वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। EWS जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना ध्यान में रखें। इसके अलावा यहाँ पर अनोदर जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे मान लीजिए आपने जो एड्रेस प्रूफ पहले दिया था, अगर उसमें आपका नाम नहीं लेकिन दूसरे में है, तो साथियों कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट है या दूसरा जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कैसे करना है, कहाँ करना है साथियों, एक जीमेल यहाँ पर एम्स पटना के द्वारा दी गई है, और उसमें लास्ट डेट 1 दिसंबर 2022 रखी गई है। यदि आप 1 दिसंबर 2022 तक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपका वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, और दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। साथियों आपको बता दें, इसीलिए हम साथियों कह रहे हैं कि वीडियो को देखें, जीमेल जो दी गई है वो इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, काफ़ी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है साथियों, 216 कैंडिडेट हैं इसके अंदर। चलिए, जो कई कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या किया कि जो अपना एडमिट कार्ड अपलोड किया उस पर सिग्नेचर नहीं किए, एप्लीकेशन फॉर्म उस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज्वाइनिंग बस आपकी थोड़ी लेट होगी। देखिए साथियों,
यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन हुआ था उसमें ये कुछ कमी पाई गई है। देखिए साथियों एक्चुअल में करते क्या है कि वो जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो सिस्टम से मैच करते हैं, और सिस्टम से मैच करते हैं तब क्या होता है कि हर एक जो स्पेलिंग होती है उसको कैच किया जाता है। तो कोई भी अगर स्पेलिंग मिसमैच होती है तो वो डायरेक्ट आपको प्रोविजनली एलिजिबल मान लेते हैं। एक्चुअल में जब अपन फिजिकली जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ऐसा हो गया था, ऐसा ये होना चाहिए था, तो वो मान लेते हैं, तो फिर अपन एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो सारा जो कंप्यूटर डाटा होता है उसको एग्जैक्ट चीज़ चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, वही उसको जो आपने प्रूफ दिया उसमें होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस होती है सिंपली, जो आपको कभी हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कि क्या क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। 1 दिसंबर 2022 तक आपको सबमिट कर देना है। recruitment@aimspatna.org पर आपको सब कुछ भेज देना है। और देखिए साथियों जब आप जीमेल करेंगे तो जीमेल के अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो आप एक बार देख लीजिए। आपका रोल नंबर क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, और आपका जो क्या रीज़न है, ऑब्जेक्शन क्यों आया है, और आपको पूरा प्रॉपर वहाँ पर एक PDF सेंड करना होगा। केवल वही डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं जिस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर सेंड करने के लिए बोला गया है। सभी डॉक्यूमेंट नहीं भेज देने हैं, कभी आप सोचो कि सभी भेज देते हैं, वही भेजे साथियों जो आपसे मांगा गया है। धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।